सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अन साहब सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू। दोस्तों, आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है। मुझे पता नहीं ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है, क्योंकि द हिंदू में आज एक आर्टिकल आया है जिसमें बताया गया है कि हमारी एमका की पहली फ्लाइट 2032 में होने वाली है, जबकि पहले बताया गया था कि अभी इसके टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर बनाए जा रहे हैं और आने वाले 4 सालों के अंदर इसकी पहली फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा और 4 सालों के अंदर इसके 2 टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर को बनाए जाएंगे। लेकिन अभी यह बताया गया है कि एमका की ज्योमेट्रिक स्टेल्थ वेरिएंट की पहली फ्लाइट 2032 में किया जा सकता है और इसके जो इनिशियल वेरिएंट्स होंगे उनमें जनरल इलेक्ट्रिक की 414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और बाद में जब हम इसके लिए एक नए इंजन को डेवलप कर लेंगे तो इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक स्टेल्थ की बात की गई है, ये दरअसल एयरक्राफ्ट की शेप के ऊपर डिपेंड करता है और किसी भी एयरक्राफ्ट की रडार क्रॉस सेक्शन 70% तक इसी तरीके से कम किया जा सकता है और बाकी रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। और एमका के जो पहले यूनिट्स बनने वाले हैं उनमें सिर्फ ज्योमेट्रिक स्टेल्थ पर ही फोकस किया जाएगा, बाद में उसमें रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा और अभी इसको डेवलप किया जा रहा है। अगला अपडेट तेजस को लेके है। हमारी सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तेजस के लिए अभी ड्रॉग इल्यूमिनेशन सिस्टम को डेवलप किया गया है, जिसकी मदद से हम रात में और क्लाउडी एनवायरनमेंट में भी हमारे एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर रिफेल कर सकते हैं। और इस डेवलपमेंट के साथ इंडिया पूरे दुनिया में 3rd कंट्री है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट और फ्रांस के पास ही मौजूद था और हमें राफेल के साथ भी फ्रांस की तरफ से सिस्टम दिया जाने वाला था, लेकिन अभी CSIO के द्वारा जिस सिस्टम को डेवलप किया गया है वो फ्रांस की सिस्टम के मुकाबले लगभग 5 गुना सस्ता है और राफेल के सिस्टम से भी ये ज़्यादा बेहतर है। अभी तक हमारे किसी भी एयरक्राफ्ट में ये सिस्टम मौजूद नहीं है और इस प्रोजेक्ट को ADA के द्वारा फंडिंग किया गया था और अभी इसे हमारे रीजनल सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस में टेस्ट किया जा रहा है और सोर्सेज के मुताबिक इसी साल के अंत तक इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर लिया जाएगा। अगला अपडेट FGFA को लेके है। कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि इंडिया FGFA प्रोग्राम से पीछे हट चुका है और अब इसे रशिया अकेले डेवलप करने वाला है, लेकिन अभी रशियन यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से ये बताया गया है कि इंडिया और रशिया के बीच अभी FGFA डील को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए बातचीत शुरू होने वाली है। रॉस्टे कॉरपोरेशन के डायरेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडिया की तरफ से अभी तक उन्हें FGFA प्रोग्राम से पीछे हटने को लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया है और जो मीडिया में रिपोर्ट आए थे उनको उन्होंने झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि इंडियन साइड की तरफ से बस FGFA को लेकर उन्हें काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे और इनका जवाब रशिया के तरफ से इंडिया को दिया गया था और अभी इसको आगे बढ़ाने के लिए बातचीत होने वाली है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में भी उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक FGFA की टेक्नोलॉजी को वो इंडिया के साथ शेयर करने वाले हैं और अभी इस प्रोजेक्ट के लिए रशिया और इंडिया $4-4 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं और इन जेट्स को इंडिया में ही लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर बनाया जाने वाला है। अगला अपडेट हेलिना मिसाइल को लेके है। आज पोखरण फायरिंग रेंज में एक इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर से हेलिना एंटी टैंक मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया है। पहले भी इस तरह के कई टेस्ट किए गए थे, लेकिन इस बार इसके फुल रेंज टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सारे टेस्ट पैरामीटर को सफलता के साथ अचीव कर लिया गया है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रविवार को ये बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से हमारी स्वदेशी एंटी एयरफील्ड बॉम्ब को सफलता के साथ टेस्ट किया गया है। SAAW एक लॉन्ग रेंज एंटी एयरफील्ड बॉम्ब है जिसे राजस्थान के चंदन फायरिंग रेंज में टेस्ट किया गया है। सोर्सेज के मुताबिक इसे अलग अलग अल्टीट्यूड और कंडीशन में 16 और 18 अगस्त के बीच टेस्ट किया गया है और इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे पाए गए हैं। ये एक 120 केजी का स्मार्ट वेपन सिस्टम है जो कि ग्राउंड टारगेट को हाई प्रिसीजन के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर तक है। अगला अपडेट K-15 मिसाइल को लेके है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो 2 महीने पहले हमारी K-15 मिसाइल को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था और अभी पिछले हफ्ते ही इसके 3 बैक-टू-बैक टेस्ट को सीक्रेटली कंडक्ट किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 11 अगस्त से 12 अगस्त के बीच 3 बार K-15 मिसाइल को हमारी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत से भिजाक तट से टेस्ट फायर किया गया था। इनमें से 2 टेस्ट 11 अगस्त को किया गया था और 1 टेस्ट को 12 अगस्त को किया गया था। इस टेस्ट के दौरान मिसाइल की सर्कुलर एरर को 0 के पास पाया गया है जो कि इसे हाईली एक्यूरेट बनाती है। इन तीनों टेस्ट को पानी से करीब 20 मीटर नीचे से कंडक्ट किया गया था और इसके साथ ही अब K-15 मिसाइल को इंडियन नेवी में फुल्ली ऑपरेशनल कर दिया गया है। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। दोस्तों, 15 अगस्त को PM नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक
ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च करने का वादा करने के बाद अभी ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए जोरदार से तैयारी चल रही है। सबसे पहली बात यह है कि ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट को स्पेस एनवायरनमेंट में फैमिलियर करने के लिए हमारे पास अभी कोई भी ट्रेनिंग फैसिलिटी मौजूद नहीं है, और 2008 से 9 के बीच एक ट्रेनिंग फैसिलिटी को ओपन करने के लिए भी प्रस्ताव दिया गया था और अभी तक उसे क्लियरेंस नहीं मिल पाया है। इसीलिए हमारे पहले ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए यूनाइटेड स्टेट या फिर रशिया से मदद लिया जा सकता है, लेकिन अभी हमारे खुद की ट्रेनिंग फैसिलिटी के लिए भी लैंड एलोकेट कर दिया गया है जो कि बेंगलुरु से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस फैसिलिटी के लिए करीब 40 से 50 एकड़ की लैंड को एलोकेट किया गया है और इसका नाम एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सेंटर रखा जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।